हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर में। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसेनगर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी, टैक्सेबल और टैक्स फ्री क्रेडिट नोट के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट किस कंडीशन में इश्यू किए जाते हैं, इसकी एंट्री किस प्रकार होती है और इस क्रेडिट नोट से हमारे जीएसटी रिटर्न्स पे क्या फ़र्क पड़ते हैं, तो ये सब कुछ आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आज की इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक पूरा देखना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ ये वाउचर्स हैं। इसमें हमारा एक परचेज वाउचर है और दो हमारे सामने क्रेडिट नोट है। एक तो ये क्रेडिट नोट है और दूसरा ये क्रेडिट नोट है, लेकिन दोनों क्रेडिट नोट में काफ़ी डिफरेंस है। ये जो क्रेडिट नोट है ये हमारा टैक्स फ्री है, यानी कि एग्जम्प्ट है, इस पर किसी भी टाइप की कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुई है। और ये जो क्रेडिट नोट है इस पर जीएसटी लगी हुई है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भी ये क्रेडिट नोट किस कंडीशन में इश्यू किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस पार्टी से ये दो गुड्स परचेज किए थे, क्लिनिक प्लस शैम्पू और निखार हेयर ऑयल 450 ml। तो विजय ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे से ये जो प्रोडक्ट है हमारा फर्स्ट क्लिनिक प्लस शैम्पू, इस पर 500 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिए थे, यानी कि 500 रुपये उसने इनवॉइस में ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। लेकिन जब हमने इस चीज़ की कंप्लेन इस कंपनी को करी, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी को बताया, तो कंपनी ने इसके अगेंस्ट में हमें एक ये क्रेडिट नोट इशू करके दिया हुआ है, लेकिन इस पर जीएसटी अप्लाई हुआ हुआ है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, और एक क्रेडिट नोट ये है, यानी कि ये क्रेडिट नोट टैक्स फ्री है, और ये किस कंडीशन में इशू हुआ है, यहाँ पर इसका जो नरेशन दिया हुआ है इस कंपनी ने भी, टारगेट स्कीम ऑन निखार हेयर ऑयल 450 ml एट द रेट 20 रुपये पर बॉक्स, यानी कि हमने इससे दो बॉक्स परचेज किए थे यहाँ पर निखार हेयर ऑयल के, यानी कि हमें 20 रुपये पर बॉक्स का हमें एक इंसेंटिव मिला है, हमने इस कंपनी का टारगेट पूरा किया है। और ये जो क्रेडिट नोट हमें इशू हुआ है, इसमें कंपनी ने हमें 500 रुपये का चार्ज ज़्यादा लगा लिया था, जबकि हमारी 500 रुपये से परचेज कम होनी चाहिए थी, तो उसके अगेंस्ट में ये टैक्सेबल क्रेडिट नोट हमें मिला है। तो हम इसको टैली में इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे ये हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो परचेज इनवॉइस था उसकी एंट्री मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखी हुई है। ये इनवॉइस था विजय ट्रेडिंग कंपनी का, और इसका ये इनवॉइस नंबर है VTC 241, और इसकी एंट्री हमने VTC 241 हमने भी इसकी एंट्री यहाँ पर करी हुई है। और ये दो प्रोडक्ट हमने परचेज करके रखे हुए हैं, एक प्रोडक्ट हमारा GST 28% का है और दूसरा GST 18% का प्रोडक्ट है। तो इसका जो लेजर हमने बना रखा है वो कॉस्मेटिक गुड्स GST 28% परचेज लोकल, यानी कि हमने राजस्थान से पार्टी से गुड्स परचेज किए हैं। और जो सेकेंड प्रोडक्ट था हमारा GST 18% का, और इसका हमने लेज़र क्रिएट किया हुआ है कॉस्मेटिक गुड्स GST 18% परचेज लोकल का। तो इस तरीके से ही एंट्री और करके इनपुट CGST और SGST हमने इसका ITC क्लेम लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस क्रेडिट नोट की एंट्री करने से पहले हम एक बार हमारी GST की रिटर्न्स को देख लेते हैं, अभी इस परचेज इनवॉइस से अभी क्या इफेक्ट आया है, और जब हम इसकी क्रेडिट नोट की जब एंट्री करेंगे तब हमारी GST रिटर्न पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले पर हम जाएंगे, उसके बाद ट्रेजरी रिपोर्ट पर हम इंटरप्रेस करेंगे, उसके बाद GST पे, और GST पे जाने के बाद हम एक बार GSTR 1 हमारा देख लेते हैं, और पीरियड इसको मैं 1/7 से 31/7 हम प्रेस करेंगे, क्योंकि वो हमारी जुलाई का इनवॉइस है। तो GSTR 1 के अंदर अभी हमने हमारा वैसे तो ये सेल्स का पार्ट होता है, अभी हमने कोई सेल्स की एंट्री नहीं कर रखी, तो इसमें ये GSTR 1 का जो पार्ट है वो सभी 0 आ रहे हैं। तो हम GSTR 2 को भी एक बार देखेंगे, 1/7 से 31 जुलाई तक पीरियड देंगे, और इसमें वो इनवॉइस हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो अभी हमने परचेज में किया था, ये वो इनवॉइस यहाँ पर आ जाएगा विजय ट्रेडिंग कंपनी वाला। इसमें जो हमारी टैक्सेबल जो परचेज है वो 32,300 रुपये की है, और 4,282 रुपये और 4,282 रुपये हमारा ITC, CGST और SGST का, तो वही हमें यहाँ पे देख रहा है जो टोटल
टैक्सेबल वैल्यू है वो 32,300 रुपये की है और इसमें जो CGST और SGST का जो टैक्स है वो 4,282 रुपये का आ रहा है। तो अब इसी में कोई इसके अलावा कोई और एंट्री में GSTR2 में कोई शो नहीं हो रही है। तो एक बार हम 3B को भी देख लेते हैं, 1/7 से 31 जुलाई तक का, और इसमें केवल ITC में वही शो हो रहा है जो परचेज में आ रहा था। अब हम इसकी एंट्री करके देखेंगे जो हमारे पास टैक्सेबल क्रेडिट नोट था, इस वाउचर्स की एंट्री हम करेंगे। तो इसकी एंट्री करने के बाद हमारी बुक्स पर क्या फर्क पड़ेगा और टैक्सेशन पे यानी कि GST की रिटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टैली में जाएंगे एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे, और अब पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट इशू किया है तो अब इसकी एंट्री हम हमारे टैली में डेबिट नोट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो डेबिट नोट के वाउचर के लिए हम चाहें तो यहाँ से कंट्रोल F9 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके भी हम जा सकते हैं। डेबिट नोट यहाँ पर वाउचर शोने लग गया है और अब हमें इसको अकाउंटिंग वाउचर में एज ए वाउचर के एंट्री यहाँ पे मोड में लेंगे। यहाँ पे पहले एज ए इनवॉइस अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो इनवॉइस मोड में इनवॉइस बनता है उस तरीके से आ जाएगा, लेकिन हमें वाउचर में चाहिए तो हम एज ए वाउचर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट नोट में हम जो पार्टी का जो क्रेडिट नोट नंबर था CN24 वो यहाँ पर हम डाल देंगे CN24। अब यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस यानी कि ये जो क्रेडिट नोट हमें मिला है कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में मिला है, VTC 241 के अगेंस्ट में, VTC/241। और ये किस तारीख को इश्यू हुआ है, ये जो क्रेडिट नोट हमारा 21 जुलाई का है तो हम डेट भी हम चेंज करेंगे 21 जुलाई का, और जो इनवॉइस था वो हमारा 20 जुलाई का है। ओरिजिनल इनवॉइस की डेट हमें यहाँ से पता चलेगी और ये इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है और ये इसका ओरिजिनल इनवॉइस की डेट है। एंटर प्रेस करेंगे और अब हम जो डेबिट करने वाले हैं वो विजय ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट करेंगे, और इसकी जो इसको जो हम डेबिट करेंगे वो इसकी नेट अमाउंट यानी कि 500 रुपये से इसको डेबिट हम करेंगे। और अब इसके बाद क्रेडिट का ऑप्शन पूछेगा, तो अब हम क्रेडिट के लिए हमें एक अलग से लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा जो लेज़र हम क्रिएट करेंगे वो किस टाइप का लेज़र करेंगे, यहाँ पर अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्मेटिक गुड्स GST 28% क्रेडिट नोट, यानी कि ये जो हमें क्रेडिट नोट मिला है ये हमारा कॉस्मेटिक गुड्स 28% था, उसका जो चार्ज था कंपनी ने पहले से ज़्यादा ले लिया था तो उसके अगेंस्ट में हमें क्रेडिट नोट मिला, यानी कि वो इनवॉइस पे जो 500 रुपये की कमी हमें यहाँ पे करनी है हमारी परचेज में। तो हम जो लेज़र क्रिएट करेंगे हम कॉस्मेटिक गुड्स GST 28% क्रेडिट नोट के नाम से यहाँ पे डालेंगे। हम चाहें तो इसको क्रेडिट नोट की बजाय इसको यहाँ पर हम रेट डिफरेंस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो टैक्सेबल क्रेडिट नोट होते हैं वो ज़्यादातर रेट डिफरेंस के अगेंस्ट में इशू किए जाते हैं, रेट डिफरेंस। और इसको हम अंडर में रखेंगे परचेज काउंट के, और परचेज काउंट करेंगे तो GST इसको हम एप्लीकेबल रखेंगे और GST डिटेल में इसको हम यस करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में देनी पड़ेगी भी जो रेट डिफरेंस है किस चीज़ का है, ये हमारा कॉस्मेटिक गुड्स का है, कॉस्मेटिक गुड्स यहाँ पर हम देंगे। और इसका जो HSN कोड है वो हमें यहाँ से पता चलेगा यानी कि 3305 का ये प्रोडक्ट है, तो इसका जो HSN कोड है वो 3305 हम यहाँ पर डालेंगे। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को हम एक बार इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और उसके बाद में इसको हम रखेंगे टैक्सेबल में, और टैक्सेबल में रखने के बाद ये कितने परसेंट का प्रोडक्ट है, 28% का, तो हम यहाँ पर 28% इसको डालेंगे और यहाँ पर इसको गुड्स करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें जो यहाँ पे क्रेडिट जो अमाउंट करनी है वो नेट अमाउंट नहीं होगी, जबकि इसकी टैक्सेबल जो अमाउंट है 390 रुपये और 62 पैसे, इसी अमाउंट से हम इस लेज़र को क्रेडिट करेंगे 390 रुपये 62 पैसे। अब हमारा इनपुट CGST टैक्स, जो इनपुट टैक्स हमारा 54 रुपये और 69 पैसे, 54.69, और इसी तरीके से इनपुट SGST टैक्स, क्योंकि अब हमें हमारा जो टैक्स है वो इनपुट का वही कम करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ITC का 54 रुपये से ज़्यादा क्लेम कर लिया था एज पर इनवॉइस के अनुसार। और इसको हम प्रोवाइड GST डिटेल में इसको यस करेंगे, और यहाँ पर इसका जो 7 नंबर ऑप्शन है लिस्ट ऑफ रीजन में इसको अदर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो सप्लायर्स का डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमें पूछ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम वही डालेंगे क्रेडिट नोट जो पार्टी ने हमें इशू किया है
2024 और इसकी जो डेट है वो 20 जुलाई और इंटर प्रेस करते हुए हम इसको सेव करेंगे। तो ये तो था हमारा जो टैक्सेबल क्रेडिट नोट था। अब एक बार इसकी एंट्री हम जो टैक्स फ्री का जो क्रेडिट नोट था इसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं, लेकिन अब हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है इस पर किसी भी टाइप की कोई GST एप्लीकेबल नहीं है, ये हमें एक इंसेंटिव मिला है। तो इसकी एंट्री हम हमारे जर्नल वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट 25/7, अगर आप चाहो तो इसके डेबिट नोट भी हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डेबिट नोट में करेंगे चाहे हम इस जर्नल वाउचर पे करें, हमारे टैक्सेशन पे यानी कि GST रिटर्न पे इस वाउचर्स का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो विजय ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट करेंगे 40 रुपये से, और अब हमें यहाँ पे एक अलग से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा इंसेंटिव के नाम से, इंसेंटिव ऑन कॉस्मेटिक गुड्स। तो ये हमारी एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम है, इसे हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, और किसी टाइप की इस पर GST एप्लीकेबल नहीं है तो इसे हम नॉट एप्लीकेबल में रखेंगे और इसको इंटरप्रेस करते हुए इसको नेट पूरा 40 रुपये अमाउंट से इसको डेबिट करेंगे। और यहाँ पर इसका हम जो क्रेडिट नोट कंपनी ने इशू किया है CN नंबर 29, तो इसको हम यहाँ पर इंटरप्रेस करते हुए सॉफ्टवेयर को हम सेव कर देंगे। तो ये एंट्री करने के बाद अब एक बार हम हमारी GST रिटर्न्स को भी हम देख लेते हैं इसका हमारे GST रिटर्न पर क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले पर और उसके बाद ट्रेजरी रिपोर्ट्स पर और GST पर। तो GSTR 1 पे तो अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि GSTR 1 में हमारा टोटल है जो सेल्स के वाउचर रहते हैं वही रहते हैं, हमने सेल किसी भी टाइप की अभी तक नहीं करी है। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो GSTR 2 पे आने वाला है। अब वो क्या आएगा, 1 जुलाई से 31 जुलाई का हम पीरियड चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो क्रेडिट नोट था वो यहाँ पर इसका इफेक्ट आएगा, यानी कि क्रेडिट नोट रेगुलर यानी कि रेगुलर डेल्स 6C का जो पॉइंट होता है उसमें आएगा। अब एक्चुअल में तो हमारी परचेज थी वो 32,300 रुपये की थी, अब वो 392.62 रुपये से हमारी परचेज में से कम हो जाएगा। अगर वो पार्टी गलती से अगर वो 500 रुपये हमारे से ज़्यादा न लेती तो अगर वो उस बिल में से अगर 400 रुपये कम कर देती तो भी हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 31,909.38 रुपये से ही रहने वाली थी। और जहाँ पर हमने इसका ITC जो क्लेम किया था एज पर इनवॉइस के अनुसार वो 8,564 रुपये था, अब उसमें से 109 रुपये हमारे ITC हमारा कम हो जाएगा। तो अब हमें जो इस इनवॉइस के अनुसार जो ITC हमें मिलेगा वो 8,454.62 रुपये का ही ITC हमें मिलेगा, यानी कि जो GST हमने पार्टी ने हमारे से जो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जो डिपॉजिट करवाई थी वो पहले तो ये करवाया था उसने 8,564 रुपये का, अब 109 रुपये का GST अब कंपनी हमारे से वापस रिफंड ले लेगी, यानी कि अब गवर्नमेंट के पास हमें इतने रुपये ही ITC में मिलेगा 8,454.62 रुपये से का। तो फ्रेंड इसका GSTR 2 पे इफेक्ट क्यों आया है, क्योंकि ये क्रेडिट नोट हमने कोई इशू नहीं किया, ये हमें हमारे सप्लायर्स यानी कि जिस कंपनी से हमने सामान खरीदा था उस कंपनी से हमें मिला है, इसलिए इसका इफेक्ट है जो GSTR 2 पे ही आएगा। हमारे द्वारा अगर किसी पार्टी को क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया जाता है तो उसका जो इफेक्ट है वो GSTR 1 पे आता है। तो हम एक बार हमारे सेल्स वाउचर की एंट्री बम करके देखेंगे और हम हमारे कस्टमर्स को भी हम क्रेडिट नोट इशू करके देखेंगे, फिर देखेंगे GSTR 1 पे इसका क्या इफेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो हमारे सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर और यहाँ पर सेल के लिए अफेड प्रेस करेंगे। तो वाउचर हमारा फर्स्ट वाउचर हम कर रहे हैं और इसकी जो डेट रहेगी हम 25 जुलाई में जो एंट्री कर लेते हैं, और कस्टमर है मुकेश कुमार और इसे भी हम सेम प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं। अब हमें से 5 प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं और एक का जो टैक्सेबल रेट है वो 1,199 रुपये का है। तो ये हमारी कॉस्मेटिक 28% की लोकल की सेल है और आउटपुट हमारा रहेगा CGST टैक्स और आउटपुट हमारा SGST टैक्स, यानी कि अब जो टोटल इसकी इनवॉइस की जो वैल्यू बनी है वो 1,273.60 रुपये बनी है, और इसको हम इंटर प्रेस करते हुए उस वाउचर्स को हम सेव करेंगे। अब हम जाके देखते हैं हमारा GSTR 1 को एक बार। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले पर जाएंगे, इसके बाद ट्रेजरी रिपोर्ट पर जाएंगे और GST पे, और GSTR 1 को अब सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियड हमारा सेलेक्ट करेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई का, और वो जो इनवॉइस हमने
पास की थी अभी एंट्री इनवॉइस नंबर वन की, वो बी टू सी में आएगी क्योंकि वो हमने किसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया था, यानी कि वो रेगुलर पार्टी नहीं थी, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं था, इसलिए इसने बी टू सी का इनवॉइस 7 में इसने लिया है। अगर इस पर हम इंटरप्रेस करके देखते हैं तो वही वाउचर हमें यहाँ पर शो हो जाएगा मुकेश कुमार का, और वही वाउचर नंबर 1 आ जाएगा, और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 995 रुपये की आ जाएगी, और इसका जो टैक्स था वह 139 रुपये 30 पैसे और एसजीएसटी था 139 रुपये 30 पैसे का। अब मान लीजिए इसी कस्टमर को हमने ये जो इनवॉइस दिया था, अब इस इनवॉइस में हमने सपोज करो उसको 40 रुपये इससे कस्टमर से हमने भी ज़्यादा ले लिए, यानी कि अब जो टोटल इसकी जो इनवॉइस थी वो इसमें से 40 रुपये हमने उसे ज़्यादा ले लिए हैं, तो अब जो 40 रुपये ज़्यादा लिए हैं तो इस 40 रुपये का हम पार्टी को एक क्रेडिट नोट इशू उसका करके देंगे। अगर हम 40 रुपये का अगर क्रेडिट नोट इसको इशू करते हैं तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं, क्योंकि 40 रुपये का हमने कस्टमर से ज़्यादा इस इनवॉइस में जोड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और उसके बाद एंट्री हम करेंगे क्रेडिट नोट के वाउचर में, जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर शो हो रहा है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट हमारा फर्स्ट है तो हम इसे रखेंगे CN1 में, और डेट 25 जुलाई, या जिस डेट को हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं वो डेट भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में जो कस्टमर को हमने इनवॉइस दिया था वो 1 ही दिया था। अब क्रेडिट हम करेंगे मुकेश कुमार को, अब हम उससे 40 रुपये ज़्यादा लिए हैं तो हम पार्टी को क्रेडिट करेंगे 40 रुपये से, और अब हम जो क्रेडिट करेंगे अब यहाँ पर एक रेट डिफरेंस का एक सेल्स के अंडर में एक अलग से लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसका जो लेज़र हम बनाएंगे रेट डिफरेंस ऑन कॉस्मेटिक गुड्स GST 28%। तो ये हम जो पहले जो हमें क्रेडिट नोट मिला था वो तो हमें पार्टी से मिला था, क्योंकि वो हमें परचेज ज़्यादा थी तो एक्चुअल में परचेज हमारी कम होनी चाहिए थी, उसके अंडर में हमने परचेज अकाउंट रखा था। अब हमारी जो सेल हम ऑलरेडी उसको ज़्यादा सेल कर चुके हैं, अब हमारी सेल कम करनी है तो इसलिए हम इस जो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं अंडर जो GST क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं अंडर रखेंगे उसको सेल्स अकाउंट में, और GST एप्लीकेबल रहेगी, और सेट GST डिटेल में इसको यस करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे इसका कॉस्मेटिक गुड्स, और HSN कोड इसका 3305 है, और इसको हम यहाँ पर नोट एप्लीकेबल रखेंगे, और टैक्सेबिलिटी में इसको हम रखेंगे टैक्सेबल में, और इसका जो IGST का रेट है वो 28% रहेगा, और इसको टाइप ऑफ सप्लाई में इसको गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। और अब हमें जो 40 रुपये है यहाँ पर, अब इसको इस लेजर को 40 रुपये से डेबिट नहीं करेंगे, जबकि 40 रुपये में से जो 28% का जो GST है उसे अलग करेंगे, यानी कि 100/128। अब हमें जो लेजर करना है 31 रुपये और 25 पैसे से। अब हमें जो टैक्स क्लेम करना है वापस, जो हमने सेल पे जो आउटपुट GST लगाया था, अब हमें डेबिट भी आउटपुट CGST टैक्स को ही करेंगे, तो जो 8.75/2, तो यानी कि 4 रुपये और 38 पैसे, और इसी तरीके से आउटपुट हमारा SGST टैक्स रहेगा 4 रुपये और 38 पैसे का, अब 1 पैसे का जो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पार्टी को यानी कि मुकेश कुमार को एक क्रेडिट नोट इशू करके देंगे, और ये क्रेडिट नोट इशू करने के बाद हमारी बुक्स पर यानी कि GST रिटर्न्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी हम इसको देख लेते हैं। एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लिया तो हम एक बार वापस हमारा GSTR 1 को दोबारा देखेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, स्ट्रेचरी रिपोर्ट पर जाएंगे और GST पे, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे GSTR 1, और इसके बाद हम जो डेट सेलेक्ट करेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का, और अब हम यहाँ पर जाके जब इंटर करेंगे अब यहाँ पर वाउचर जो काउंटिंग है अब 2 शो होने लग गई है, एक तो हमारा सेल्स वाउचर था और एक है जो क्रेडिट नोट का वाउचर, वो आपको यहीं से पता चलेगा। अब एक्चुअल में जो हमारी सेल थी वो 963 रुपये और 75 पैसे की रह जाएगी, जबकि एज पर अगर इनवॉइस को देखा जाए तो 995 रुपये की सेल थी, क्योंकि हमने कस्टमर से जो पैसा था गलती से ज़्यादा चार्ज कर लिया था, जबकि कम करना चाहिए था। तो जिस तरीके से हमें अगर सेल हमारी ज़्यादा रहेगी तो टैक्स भी हमारा ज़्यादा रहेगा, तो इस तरीके से हम क्रेडिट नोट अगर इशू करेंगे पार्टी को तो उसमें जो हमारी सेल है वो भी कम रहेगी, और इसके बाद जो हमारा टैक्स पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो टैक्स भी हमारा आउटपुट की जो हमारी लायबिलिटीज हैं वो भी कम हो जाएगी। तो अब एज पर इनवॉइस के हिसाब से हमारी जो लायबिलिटी बनती थी टैक्स की CGST और SGST की वो 139 रुपये और 30 पैसे थी,
और अब जो 4.38 रुपये जो क्रेडिट नोट हमने इशू किया था पार्टी को, वो हमारा लेस हो जाएगा और अब हमारी जो नेट लायबिलिटीज है वो 134 रुपये और 92 पैसे की रह जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अंडर GST क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर प्रैक्टिकल तरीके से इस टाइप की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।